टिहरी में अब 15 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। डोबरा चांठी पुल का काम एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। उम्मीद है कि पुल का काम सितंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी डोबरा चांठी पुल का काम अब रफ्तार से जोर पकड़ रहा है। पुल पर डामर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। किसी क्षेत्र के विकास की राह खोलने के लिए एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उसमें जुड़ी होती है और तब जाकर के सैकड़ों गांवों का, हजारों गांवों का एक रास्ता बनता है जो दुर्गम से सुगम में तब्दील होता है। मैं एक ऐसी जगह आज खड़ा हूं कि ये डोबरा चांठी पुल है और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा प्रमोद से, प्रमोद एक बार ये दिखाइए क्योंकि ये भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है और जिस तरह से इसको बनाया है, जो इसकी हैवी टेक्नोलॉजी है, तो ये पहला सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें हैवी लोडेड जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका भी आवागमन होगा और करीब 325 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पुल से 160 गांवों का एक रास्ता सुगम होना है और उनकी दूरी 55 से 60 किलोमीटर टिहरी से कम हो जाएगी। अभी टिहरी से जितनी दूरी वो अपने गांव के लिए जाते थे, ये सामने एक प्रतापनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और प्रतापनगर समेत 160 गांव ऐसे हैं जो सीधे इस पुल से होकर टिहरी जा सकेंगे। पुल का काम वैसे तो मार्च से अप्रैल महीने के बीच पूरा करने का लक्ष्य था, मगर कोरोना की वजह से मजदूर घर लौट गए थे जिससे काम रुक गया था। हमारा समय सीमा तो था कि मार्च अप्रैल में हम इसको दे देते, लेकिन कोविड के चलते जो समस्याएं आई, बंद हो गई, लेबर घर चली गई और अब ये खुली है तो हम कोशिश में हैं कि सितंबर तक इसको दे। अभी भी लेबर कम है, हम बुला रहे हैं। अब डीएम साहब 2 दिन पहले तो उन्होंने बोला कि ये रियायत आपको दी जाएगी, रेड जोन से नहीं आएंगे तो सीधे साइट पर आके काम करें। इस पुल को बनाने में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। हमारा जो ब्रिज है वो 18 आर लोडिंग के लिए, यानी 15.5 टन की लोडिंग के लिए ब्रिज बना है। इसमें लोडिंग को कंट्रोल करने के लिए डोबरा साइड और चांठी साइड दोनों तरफ हम लोगों ने वे इन मोशन ब्रिज और स्टेटिक वे ब्रिज लगाया है। मतलब अभी उसका कंस्ट्रक्शन, सिविल फेस उसका कंस्ट्रक्शन का चालू है जिसमें मैकेनिकल वर्क उसके बाद होगा और दोनों तरफ लोडिंग को कंट्रोल करने के लिए वे इन मोशन ब्रिज और स्टैटिक वे ब्रिज लगाया गया है। विंड की स्पीड के लिए भी यहाँ पे विंड मीटर्स लगाए जाएंगे। अभी तो हमारे पास एनोमीटर है, हम उससे विंड स्पीड मेजर करते हैं। पुल के बनने से इलाके की 2 लाख से अधिक आबादी को फायदा होगा। फिलहाल टिहरी से प्रतापनगर जाने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, मगर इस पुल के निर्माण के बाद ये यात्रा महज 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। पुल का निर्माण 2005 से शुरू होना था। तकरीबन 15 साल से लोग इस पुल का काम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब सितंबर महीने तक इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। टिहरी से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट एबीपी गंगा के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।